नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपक मनराल। आज की खबर हापुड़ से। जहां आज भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहां हापुड़ में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने एक नई पहल करते हुए पारंपरिक जड़ी बूटियों के माध्यम से वातावरण शुद्धिकरण अभियान शुरू कर दिया है। पूरे जनपद में इस अभियान की शुरुआत करने के साथ ही कार्यकर्ता इन दिनों हर गली मोहल्लों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभियान का उद्देश्य वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करके शुद्ध वायु शुद्ध वातावरण निर्मित करना है। पदाधिकारियों का कहना है कि इस विषम परिस्थिति में वातावरण शुद्धि ही एकमात्र विकल्प है। इस शुद्धिकरण अभियान से मुख्य रूप से अंकित सेन, सागर प्रजापति, उमंग विश्वकर्मा, आयुष त्यागी, दीपांशु वर्मा, भुवनेश त्यागी, दीपक प्रजापति, विकास प्रजापति, पुष्पेंद्र गुज्जर, दीपांशु प्रजापति आदि जुड़े हैं। देखिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी के शुद्धिकरण अभियान की कुछ झलकियां। हमारा कार्यक्रम जो हुआ है वो मंगलवार के दिन से प्रारंभ हुआ है। देश में चल रही कोरोना नामक बीमारी महामारी से बचाव के लिए हमारे संगठन के सभी युवा साथी, सभी संगठन के पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन हापुड़ नगर के प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ले और गांवों में लगातार शुद्धिकरण जो कार्य है, शुद्धिकरण का वो लगातार कार्य कर रहे हैं। शुद्धिकरण कार्यक्रम में सामग्री से, कपूर से और लौंग वगैरह बहुत सारी अनेकों बूटियों से गली गली में घूमकर जो उसका धुआं निकलती है, उसकी ऑक्सीजन निकलती है, उसके माध्यम से प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला और प्रत्येक एरिया शुद्धिकरण करने का कार्य कर रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम होगा, आज चंद्रलोक कॉलोनी, जसरूप नगर, दस्तोई रोड, मोदी नगर रोड और हरिद्वारी नगर में रहेगा।